आज आपके लिए हम वीर साग की बात करेंगे। इसको बथुआ भी कहते हैं। यह चिनोपोडियम एल्बम है। यह ना केवल साग है बल्कि यह महान औषधीय पौधा है। यह एक एनुअल हर्ब है जो कि इरेक्ट हो जाता है, 1 फिट तक इसकी ऊंचाई हो जाती है और इसका जो स्पाइक है वो कॉम्पैक्ट होता है। इसके अंदर बहुत सारे केमिकल कंस्टेंट और मिनरल्स का तो ये खजाना है। वोलेटाइल ऑयल होता है, एस्केरिडोल होता है, सैपोनिन होते हैं, विटामिन सी, कैरोटीन और पोटाशियम, सोडियम, आयरन, जिंक जो इम्यूनिटी के लिए आवश्यक है, मैग्नीज, कॉपर और विभिन्न प्रकार के अमाइनो एसिड्स भी इसके अंदर पाए जाते हैं, जैसे ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, मिथियोनिन, सिस्टीन, फिनाइलएलेनिन, टायरोसिन और यह बुखार के लिए विशेष कार्य करता है, जो कि रक्त पित्त के कारण जनित बुखार होता है उसमें विशेष कार्य करता है। भूख बढ़ाने वाला है, पाचक है और तीनों दोषों का नाश करता है। वात, पित्त, कफ तीनों का नाश करने वाला है। ब्लड डिसेंट्री में काम करता है, पाइल्स की समस्या को दूर करता है और जीवन को हष्ट पुष्ट बनाए रखने के लिए, लॉन्गिविटी को बढ़ाने के लिए, मिनरल्स की कमी को दूर करने के लिए, माल न्यूट्रिशन की समस्या को दूर करने के लिए महान औषधि है। इसके लीव्स का सुरस लेना चाहिए राउंड वर्म और हुकवर्म की समस्या को दूर करने के लिए। अगर सर में दर्द है तो इसके लीव्स का पेस्ट बनाकर अप्लाई करें, माथे पर लगाएं। आजकल गॉल ब्लैडर स्टोन की समस्या बहुत कॉमन है और वो निरंतर बढ़ती जाती है। इसके निवारण के लिए हमें बाइल जूस का सिक्रीशन कम से कम हो और उतना हो जितना आवश्यक हो। तो बाइलियसनेस की जो समस्या है इसका स्वरस उसको दूर करता है। बर्न्स की समस्या हो तो इसके मूल का क्वाथ बनाकर अप्लाई करना चाहिए। इंटेस्टिनल अल्सर की समस्या हो तो हमें इसके होल प्लांट का पंचांग का सेवन करना चाहिए। रिंगिंग इन ईयर्स, टिनिटस की समस्या होती है उसमें भी विशेष कार्य करता है। वर्टिगो हो या बैकिक की समस्या हो उसमें भी ये काम करता है। कई प्रकार की फंगल बीमारियों में भी बहुत लाभ करता है, जैसे एस्परजिलस, कोलेक्टोट्राइकम, फुजेरियम, इस तरह की फंजाई में भी इसकी एंटी फंगल एक्टिविटी देखी गई है। इसके अंदर मोनोटर्पिन होते हैं जो इंसेक्टिसाइडल, एनाल्जेसिक और एंटी आर्थराइटिक प्रॉपर्टी रखते हैं। ध्यान ये रखना है ज़्यादा मात्रा में सेवन करना, कई बार इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एंटी फर्टिलिटी एक्टिविटी शो करता है, तो ज़्यादा मात्रा में सेवन ना करें। और यह मानसिक तनाव को दूर करने वाला एंजियोलाइटिक है, इम्यूनोमॉडुलेटर भी है और यह पशुओं में भी इस्तेमाल किया जाता है। पशुओं में कॉन्स्टिपेशन की समस्या होती है तो ये लेक्जेटिव का कार्य करता है। और रूमन, रेटिकुलम, ओमेशम और एबोमेशम जो एनिमल के स्टोमक के 4 पार्ट हैं उसमें कहीं भी अगर कोई कॉन्स्टिपेशन है उसको ये दूर करने की क्षमता रखता है। फिर मिलेंगे एक नए प्लांट के साथ, नए समाधान के साथ। धन्यवाद, प्रणाम।